तो फर्स्ट मतदान कर्मी हो, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, सभी के सहयोग के लिए ये वीडियोज की एक सीरीज है। तो यहाँ पर ये तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं। अन्य जो वीडियो बनाए हैं उनके सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप मतदान स्थल से रवानगी के बाद में मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल पर पहुँचेंगे, जहाँ पर आपको वोट डलवाने हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है और कैसे करना है उस संबंध में दिशा निर्देश हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है मतदेय स्थल की न्यूनतम आवश्यकताओं AMF का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लिया जाए कि इस संबंध में कोई भी कमी नहीं है, जैसे कि पेयजल व्यवस्था सही है, शौचालय सही है, रैंप है, आवश्यक फर्नीचर है या नहीं है, विद्युत और प्रकाश की व्यवस्था है या नहीं, छायादार स्थान आदि। इसके बाद में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है। उसके बाद में उसमें पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था है, सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पर ना पड़े। और उसके बाद में कोई भी वीवीपैट को ख़राब कर सकता है, इसलिए वीवीपैट मशीन को ऐसी जगह आपको व्यवस्थित करना है जिससे कि उस वीवीपैट मशीन पर जो एक प्रिंटर है उस पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो लाइट का हो या फिर सूर्य का हो, किसी प्रकार का रोशनी नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद में मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाए, जिससे कि वहाँ पर कोई भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो उसको भी हटा दिया जाए। मतदान से जुड़े सरकारी कर्मियों को छोड़कर कोई भी मोबाइल फ़ोन लेकर मतदेय स्थल पर नहीं जाएगा। मतदेय स्थल पर स्वयं एवं मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था कर ली जाए। मतदेय स्थल पर किसी भी परिचित अपरिचित व्यक्ति का किसी भी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार न किया जाए और मतदेय स्थल पर ही रात्रि विश्राम किया जाए। उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के लिए आपके कार्य को सम्यक एवं शीघ्र संपन्न करने में सहायक हो, जैसे लिफाफे, मतदेय स्थल से संबंधित कार्य आदि। मतदेय स्थल के 200 मीटर की परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज, दो कुर्सी और छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं। इसके बाद में यह सुनिश्चित किया जाए कि इन पर्चियों पर कोई भी ऐसा चिन्ह ना लगा हो जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो। इन स्थलों पर भीड़ एकत्रित ना हो। मतदेय स्थल पर निर्वाचक नामावली की एक सूची तथा प्रत्याशियों की भी सूची, डमी बैलेट यूनिट का नमूना चस्पा किया जाएगा। तो ये कार्य आपको करने हैं विशेष वरीयता के आधार पर। इसके बाद में अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर ये भी सुनिश्चित कर लें कि वहां पर आपको जो पोलिंग स्टेशन बनाना है, यानी कि किस प्रकार से आपको चुनाव करवाना है, कहां पर पीठासीन अधिकारी बैठेंगे, कहां फर्स्ट वाला बैठेगा, कहां सेकंड वाला बैठेगा, कहां थर्ड वाला बैठेगा, कहां पर पोलिंग एजेंट बैठेंगे, तो पूरे पोलिंग एजेंट की जो बैठने की व्यवस्था होगी उनको आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और ये भी जो प्रक्रिया यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है इसको भी अपने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि आपका रूम आप अपने हिसाब से सुसज्जित कर सकते हैं कहाँ पे किसको बैठना है। और उम्मीद ये रहेगी कि पोलिंग एजेंट को अंदर व्यवस्था ना ही रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जगह भी आपको कम पड़ेगी और समस्या भी खड़ी हो सकती है। तो इसके बाद में मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु जो अधिकृत व्यक्ति होंगे वो कौन कौन आ सकता है उनके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मतदान अधिकारी जो भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पीठासीन अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी जिसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता, ये भी आ सकता है। आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति जैसे मीडियाकर्मी है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, वो भी आ सकते हैं। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ यानी कि वर्दीधारी और असलाधारी को छोड़कर लोक सेवक आ सकते हैं। आयोग द्वारा नियुक्त परीक्षक आ सकता है। मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु है, कोई बच्चा है, उसको भी लेके आ सकते हैं। ऐसे अंधे और शीतलांग मतदाता अंदर आ सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति इनके सहायक है जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, वो भी व्यक्ति आ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये लोग आ सकते हैं। तो आगे की और जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।